Hello friends, welcome to BinaryTube Pryagraj YouTube channel. Myself Rohit, and we will continue our IT tools and business system lecture number 15. And lecture number 14 में हम लोगों ने number system क्या होता है, उसके base क्या होते हैं, कैसे इसमें कितनी value होती है, ये हमने जाना था. हम लोग important topic, important lecture की ओर आगे बढ़ते हैं. और इस lecture हमें क्या पढ़ना है, number conversion को, number conversion पढ़ना है. Number conversion देखा यार बहुत important है, ओलेवल हमेशा आता है. ठीक, इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ. नंबर कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा जानता है, तो उसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना. हम लोग डेसिमल में कोई नंबर देते हैं तो उस कंप्यूटर उसको कन्वर्जन का कन्वर्ट करने का काम करता है, और डिफरेंट डिफरेंट नंबरों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से कन्वर्ट करता है. तो सबसे पहला है तुम्हारा डेसिमल टू एनी अदर, दूसरा है एनी अदर टू डेसिमल, तीसरा है ऑक्टल टू बाइनरी, चौथा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, पांचवा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर में देखते चलेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू एनी अदर. ठीक, चलो तो मैं मान लो कोई नंबर लेता हूँ. मैंने नंबर लिया 45 है क्या, कौन सा नंबर सिस्टम? मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम की पहचान के बेस से हो, तो 45 में अगर 10 लिखा रहेगा ये क्या है, डेसिमल है. ठीक, नहीं अगर हम लोग ये 10 हटा देते हैं तो इसको हम ऐसे, तो हम लोग आम चल बोल चाल की भाषा में 45 बोलेंगे, डेसिमल ही क्या बोलेंगे, लेकिन ये ऑक्टल भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसके लिए बेस नहीं लगा, तो बेस जरूरी है आपके क्वेश्चन में. नंबर जो क्वेश्चन आए उसमें बेस लगा रहेगा, तो ये हमने बेस लगा दिया 10, यानी ये क्या डेसिमल हो गया. और किसी भी डेसिमल को किसी अदर अगर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान देना, बेस पता होना चाहिए. बेस नो नॉन, ये बेस आपको आना चाहिए. तो 45 यानी मुझे अब 45 को बाइनरी में करना है. मुझे कैसे जानना है, बाइनरी में. ठीक, तो 45 को बाइनरी में करना है, बहुत सिंपल होता है. जो नंबर डेसिमल दिया है उसको 2 से आपको भाग देना है. मैंने 45 लिखा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 4, 2 2 जा 4. ठीक, 2 2 4, 2 2 4, रिमाइंडर कितना आया, 1. तो एक कम, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0. 2 5 जा 10 सर 1, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 2 जी, ये 1 उतर जाएगा. ठीक, तो ये मैंने एक क्या दिया, वो उससे डिवाइड कर दिया. अब इसको कैसे उतारेंगे, तो हमेशा बॉटम टू टॉप के ऊपर चलेंगे. तो पहले आएगा 1 ये. ठीक, तो पहले क्या होगा यहाँ पे, 1 2 1 1 2. ठीक, 45 डेसिमल इज इक्वल टू 101101. ठीक, पहले बताया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा, रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0. और जो लास्ट में 1 बचेगा ये एज इट इज वहीं रहेगा, इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, 101101. ठीक, एकदम ईजी है. जब भी अगर ये ऑक्टल बोलता, ऑक्टल में करना है, मान लो इसी को ऑक्टल में करना है, ठीक, 45 को ऑक्टल में बोल दिया, ऑक्टल बोल दिया, बताया बेस पता होना चाहिए, बेस से हमें सब बेस से डिवाइड करेंगे. 45 8 यहाँ उतारेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 25, 8 4 जा 26, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, अच्छा 48.
ज़्यादा हो रहा है तो 8 5 40 40 किया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है। अब ये इससे कम है ना, 5 is less than 8 तो ये उतर आएगा, ये ऐसे चल 55। 8 का अगर 45 से करोगे 8 5 जा 40 8 5 40 किया, 5 रिमाइंडर है, 5 यहाँ उतर जाएगा और 5 यहाँ बचा, तो ये क्या है लेस देन है 8 से, तो ये 5 5 5 हो जाएगा, आंसर जो आएगा 55। यानी 45 = ऑक्टल में 55। यही 6 यही आपसे बोल रहे हेक्टाडेसिमल में करना है, कैसे करेंगे सिंपल 60 से भाग दे दीजिए, 45 मैंने लिखा, 16 16 32 48 तो दुनी 32 32 8 40 5 45 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 32 32 8 14 रिमाइंडर 2 यहाँ उतर जाएगा, यानी आएगा 214 यहाँ क्या हो जाएगा 2 4। ठीक, मैंने बताया था 14 को किस में लिखते हैं, 4 को हम लोग किस में लिखेंगे, F को 15 लिखते हैं, E को 14 लिखते हैं, तो 2 E 14 को E मानेंगे। मैंने बताया था ना बेस को 9 के बाद 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E 14 E। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का डेसिमल टू एनी अदर। ठीक, अगर बात करें डेसिमल की तो 45.25 का मैंने निकाल ही लिया है, तो नहीं अगर कोई और वाली होगी तो आप उसी तरह करना है, 0.25 महीना है वो कैसे करते हैं, तो 0.25 जो करेंगे 0.25 एक डेसिमल राइंडिंग बोला है तो इसमें क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 0.25 में 2 करोगे तो कितना आएगा 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.5 आएगा, ये 0 क्या हो जाएगा इसे इधर आ जाएगा। अब 0.5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 1.0 आएगा, तो ये 1 इधर उतर आएगा, 0.0 × 2 तो ये पूरा चलता रहेगा, तब तक चलेगा ये, मतलब कहाँ तक ले जाएंगे इसको तो ये आपके ऑप्शन पे है, 2 2 मतलब 2 डिजिट तक है कि 3 डिजिट तक है, दशमलव के बाद 2 है कि 3 है, तो उसके ऊपर है, जितना आप जितना ऑप्शन दे रहा है उतना चलते चले जाएंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जैसे इसमें कि इस कंडीशन में क्या आएगा आंसर, यहाँ देख लेते हैं 101101 जब हम लोग दशमलव के पहले अगर जो भाग देते मल्टी को डिवाइड करते हैं तो टॉप टू बॉटम, जब लो वाला करेंगे तो बॉटम टू टॉप, तो यहाँ 01 पहले होगा ना कि ये गलत है, सही क्या होगा ये 0 45.25 10 = 101101 01। सेम इसी तरह अगर ऑक्टल बोले तो आप यहाँ क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही सेम यही तुमसे अगर डेसिमल में अगर मांगता तो 16 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का नंबर कन्वर्जन का पहला डेसिमल टू एन, बहुत ईजी होता है। बेस से क्या करना आपको डिवाइड करना है और दशमलव का अंक है तो आपको मल्टीप्लाई कर डिवाइड की डिवाइड में आपको बॉटम टू टॉप लिखना है, मल्टीप्लाई में टॉप टू बॉटम उतारना है। ठीक, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एनी नंबर टू डेसिमल, कोई नंबर दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम
जानिए से आपको 10101 दे दिया, बोल दिया इसका डेसिमल क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आता हो तो हमारे व्हाट्सएप 8318119800 पर संपर्क कर सकते हो, और अगर आप ओ लेवल लगे सीरियस है, आपके एग्ज़ाम है जुलाई में, तो हमारा पैकेज भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, हर लेक्चर वाइज नोट्स उपलब्ध रहेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे। वो आप कहाँ मिलेंगे? BinaryTube.in। ठीक, अभी हम लोग कुछ मॉडल पेपर भी लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक, उस टेलीग्राम को लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको BinaryTube प्रयागराज का चैनल बनना हुआ टेलीग्राम, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी आपको सारी वीडियोस जो भी नोट्स हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर 16 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनी नंबर टू डेसिमल के बाद।